हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 4.7 पे और क्वेश्चन नंबर है 8 क्या करा। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज 394, फाइंड देम। तो हम लोग देख चुके हैं पिछले वीडियो में कि अगर ऑड पॉजिटिव इंटीजर कहे या फिर इवेन भी कहे या फिर ऑड पॉजिटिव नंबर या फिर ऑड पॉजिटिव नेचुरल नंबर इस तरह से कोई भी कहेगा तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पर x, x प्लस टू या फिर 2x प्लस वन और 2x प्लस थ्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप x और x प्लस टू भी मान सकते हैं नंबर्स को, या फिर आप 2x प्लस वन एंड 2x प्लस थ्री भी लेकर बना सकते हैं, दोनों ही ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग ऐसा ले सकते हैं, लेट द फर्स्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर, उसको हम लोग x ले लेते हैं, यही वाला लेके चलते हैं, ये थोड़ा सा लेंदी लगेगा। एंड सेकेंड ऑड पॉजिटिव इंटीजर आपका क्या हो जाएगा, x प्लस टू। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम ऑफ द स्क्वायर, इनके स्क्वायर का सम क्या है, स्क्वायर का सम इक्वल है 394 के। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू में एक्स इंटू में टू प्लस टू का स्क्वायर माइनस 394 इक्वल टू में जीरो। तो यहाँ देखो 2x स्क्वायर प्लस का 4x, ये प्लस 4 हो जाएगा, 4 को यहाँ माइनस का 390 हो जाएगा और इक्वल टू में जीरो। आप 2 कॉमन कर लो, x स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस का यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, 2 2 2 9 18 195 हो जाएगा, ये जगह डिवाइड में तो x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 195 इक्वल टू में जीरो, 0/2 जीरो हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं, एक काम करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 15x एंड माइनस का 13x कर लेते हैं, माइनस 195 इक्वल टू जीरो। यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा तो 2x, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल। यहाँ x कॉमन करते हैं तो x प्लस में 15 माइनस 13 कॉमन करते हैं तो यहाँ x प्लस में 15 आ जाएगा, दोनों ब्रैकेट में सेम है, x प्लस 15 को कॉमन कर लें और यहाँ x माइनस 13 इक्वल टू जीरो यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कि अलग अलग करके x प्लस 15 इक्वल टू जीरो एंड यहाँ x माइनस 13 इक्वल टू में जीरो, तो यहाँ पे x इक्वल टू में माइनस का 15 और यहाँ x इक्वल टू में 13 है ना। तो जो ऊपर नंबर दिया है वह आपका पॉजिटिव था ना, है ना, लिखेंगे कि ऊपर जो आप नंबर देखे थे ना, हमें क्या ऑड पॉजिटिव नंबर की बात करनी है, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि x being ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है इसलिए x इक्वल टू में यहाँ पर 13 लेंगे, ये माइनस का 15 छोड़ देंगे। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि फर्स्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू में 13 एंड सेकेंड ऑड पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू में x प्लस 2 था, यानी कि 13 प्लस का 2 15 हो जाएगा, यानी कि 13 एंड 15 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9।